हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपडेट। और बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एग्ज़ाम कब होगा, यहाँ से अपडेट कब आएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आजकल मुझे समय नहीं मिल पाता है वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए रेगुलर वीडियोस आते रहें। और फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर प्रेस रिलीज़ किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस आ चुका है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो 30 दिसंबर को होना है और एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी होगी। लेवल 1 का यहाँ पे पहले एग्ज़ाम होगा, लेवल 2 भी यहाँ पे होता है, लेकिन लेवल 2 यहाँ पर इंटरव्यू होता है और यहाँ पर लेवल 1 के लिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं पता है सिलेबस क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सिलेबस जो यहाँ की यूनिवर्सिटी का जो पीजी का जो कोर्स है वही आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। अब उस सिलेबस को आप कैसे देखेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बोल देते हैं कि आप पढ़ लीजिए जा करके, सिलेबस कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा वो भी तो बताना ज़रूरी होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 नंबर का यहाँ पर आपका पहले MCQ होगा, जिसमें आपका हाफ जो पेपर होगा वो रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड होगा और हाफ जो होगा वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उसमें आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपको इन्हीं का सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, यानी आपके जो पीजी का सिलेबस है आप उसको जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर आपका प्रयागराज में रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफलाइन मोड एट 9 सेंटर्स, तो प्रयागराज में जो भी 9 कॉलेजेस इनके एफिलेटेड होंगे वहीं पर सेंटर रहेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं जो भी अपडेट होगा वो आपको यहां पे मिलता रहेगा इन वेबसाइट्स पर। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यहां पे दिया हुआ है कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये अपडेट है, 5 तारीख को ये अपडेट आया था और यहाँ पर ये प्रेस रिलीज है। और फिलहाल आप देख रहे हैं अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि 30 तारीख को एग्ज़ाम है और इससे करीब मुझे लगता है 5 से 6 दिन पहले या हफ्ते भर पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास लगभग 15 दिन का समय है, 15-17 दिन का समय आपके पास है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। मैं आपको एक बार होम पर ले चलता हूँ। ये देखिए हम होम पेज पर आ चुके हैं। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा अकेडमिक्स में। अकेडमिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप जब फैकल्टीज में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे फैकल्टीज लिखा है, फैकल्टीज के सामने जब आप एरो लेकर के आएंगे तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इस तरह से आपको सब यहाँ पे दिखाई देगा। अब मान लीजिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पे जाकर के आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए अबाउट में, यहाँ पे पहले अबाउट में लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, नोटिस जो भी होते हैं डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। सिलेबस देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फैकल्टीज दिख जाएंगी, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं यहाँ पे जो पढ़ाती हैं, कौन प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस जगह पर मिल जाती है। तो हमें बात करनी है सिलेबस की, तो सिलेबस आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो MSc का जो सिलेबस होगा, ये देखिए MA MSc ज्योग्राफी, तो ये है आपका मेन सिलेबस जो आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आप जा करके इसके सामने डाउनलोड बटन है इस पर क्लिक करिए और आपके सामने ये पूरा सिलेबस आ चुका है। ये थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करिए, यहाँ पर इन्होंने मार्क्स का डिवीजन दिया हुआ है कुछ अपने क्रेडिट्स वगैरह, और सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, ये देखिए सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मीनिंग एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, ये सब जो है आपको हर सेमेस्टर वाइज यहाँ पर, ये देखिए सेकंड पेपर, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा ध्यान से, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह से आप अदर सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, अकेडमिक्स में जाइए, फैकल्टीज में जाइए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हमने ओपन कर लिया है। सिलेबस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए BA, BEd, MA, MEd, तो MA का सिलेबस यहाँ पर आपको देखना होगा। इसको डाउनलोड पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए 29 पेजेस का सिलेबस आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से आपका देखिए स्टार्ट हो गया है। ये देखिए फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड एजुकेशन, फिलोसफी का पेपर है। इसके बाद आप देखेंगे सोशोलॉजिकल फाउंडेशन, देन इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इसके बाद आप देखेंगे मैथड्स एंड प्रोसीजर। इस तरह से आप सारे सिलेबस को देख सकते हैं, यहीं से आपका पूरा पेपर बनेगा, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी और वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।